जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो किसी भी फ़ोटो को रिसाइज कैसे करेंगे। कोई फ़ोटो है, यदि आप जैसे कि आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, उसमें कुछ जो है रिक्वायर्ड होता है कि फ़ोटो आपका 20 से 25 के बीच होना चाहिए, 20 से 50 के या 100 KB के बीच होना चाहिए, या 100 KB के नीचे होना चाहिए। इस टाइप का जो है आपको फ़ोटो होता है, तो इसमें आपको कुछ जो है क्रिटेरिया फिक्स होती हैं कि इतना के बीच ही आपका फ़ोटो रहना चाहिए, और इससे अधिक होता है या कम होता है तो आपका फ़ोटो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये जो है हम आपको कैसे करेंगे आसान भाषा में, विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के, बिना किसी मतलब वेबसाइट के, या इसको आप बहुत ही आसान तरीके से अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। वो भी सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आपको सिंपली जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, जो भी आप सिस्टम यूज करते हैं, उसमें आप जिस फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं, रिसाइज करना चाहते हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम इस फ़ोटो को रिसाइज करना चाहते हैं, तो इस फ़ोटो को हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हम इसको रिसाइज करना चाहते हैं, तो इसको हम बस यहाँ से इस पर हम क्लिक करेंगे राइट, और यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, या ओपन विथ पेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ से एडिट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट आपका सेट होता है कि ये आपका पेंट में ही ओपन होगा, तो आपको एडिट विथ पेंट करना है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका खुल जाएगा, और यहाँ पर इसकी साइज़ जो है आपको दिखा दी गई है, 23.2 KB का जो है ये फ़ोटो है। और इसको हम चाहते हैं कि फ़ोटो आपका 15 KB का हो जाए, तो हम इसको 15 KB का फ़ोटो करके दिखाते हैं। उसके बाद से हम साइज़ बढ़ाना भी बताएंगे। साइज़ कम करने के लिए यहाँ पर आपको देखेंगे रीसाइज़ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना, और यहाँ पर देखेंगे आपको जो परसेंटेज है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का 100-100% है। यहाँ पर आपको 100 से आपको जो है अपने हिसाब से ऐसा कुछ सोच के करना है कि आपका नियर अबाउट उसके आ जाए। तो मैं यहाँ पर 80% कर देता हूँ, उसके बाद से ओके कर देता हूँ। जैसे ही हम 80% करके ओके करेंगे, और उसके बाद से आपको कंट्रोल के साथ यस करना है सेव करने के लिए। यहाँ पर जो है फ़ोटो एक बार जब आप ओपन करें, तो एक बार जो है आपको फ़ोटो को पहले सेव कर लीजिए, उसके बाद आप रिसाइज करिएगा, क्योंकि फ़ोटो की जो साइज़ होती है वो पहले से यहाँ पर जो शो करती है वो नहीं होती है। तो यहाँ पर हम एक बार आपको शो करके दिखाते हैं। यहाँ पर पहले हम डिफ़ॉल्ट कर लिए, उसके बाद से अब सही है फ़ोटो की साइज़, अब से हम रिसाइज करते हैं इसको। तो यहाँ से हम रिसाइज कर लेते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे फ़ोटो की साइज़ 27.5 की हो गई, इसके पहले आपकी 32 थी। तो एक बार हम फिर से कर लेते हैं, हमको 15 KB करना है, तो हम 50 कर लेते हैं यहाँ से, और कंट्रोल के साथ यस कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो 18.5 KB का फ़ोटो हो गया। यदि 20 KB के नीचे फ़ोटो मांगा है, तो ये फ़ोटो आपका मान्य होगा। तो यदि फ़ोटो की साइज़ हम बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से फ़ोटो की साइज़ बढ़ाने के लिए आपको यहीं पर आना है रिसाइज पर, और यहाँ पर आपको जो है 100 के नीचे इसके पहले जाते रहे थे, अब 100 के ऊपर जाएंगे, तो 120 कर देंगे। जैसे ही हम 120 करेंगे, हमको 25 से 50 के बीच फ़ोटो चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे 37 KB की फ़ोटो हो गई, आपकी मान्य हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं 40 KB की फ़ोटो हो, तो यहाँ पर आपको साइज़ थोड़ा और बढ़ा लेना, तो 120 फिर से हम कर देते हैं, और यहाँ पर देखेंगे 44 KB की फ़ोटो हो गई, आपकी फ़ोटो मान्य हो जाएगी। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।